बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा गोवर्धन में गरीबों के लिए कंबल वितरण एवं भंडारा। कस्बा गोवर्धन के लोटेश्वर महादेव के सामने स्थित कॉलोनी में ग्रेटर नोएडा की संस्था जय श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए भंडारा एवं कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आयोजक मंडल के गुरु महाराज श्री मनीष पूर्णानंद जी ने बताया कि उनके शिष्यों द्वारा कस्बा गोवर्धन में गरीब असहाय व बेघर लोगों की सहायता के उद्देश्य से तथा सामाजिक सेवा के भाव से धर्मशाला का निर्माण कराया है, जिसके उपलक्ष्य में संस्था द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए भंडारे तथा कंबल वितरण की व्यवस्था की गई, जिसमें लगभग 200 लोगों के लिए भोजन प्रसादी तथा कंबल वितरण किए गए। वहीं जय श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील भारद्वाज ने बताया कि उनकी संस्था इससे पहले भी नोएडा, बुलंदशहर, हरियाणा व हिमाचल में प्रतिवर्ष दिसंबर माह के अंत में गरीब असहाय लोगों के लिए कंबल वितरण करती आई है और अब कस्बा गोवर्धन में उनकी धर्मशाला के निर्माण के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसे आगे भी प्रतिवर्ष विधिवत जारी रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था का उद्देश्य केवल निर्धन असहाय व पीड़ित वर्ग के लोगों की हर संभव सहायता करना है। सर क्या नाम? सुनील कुमार भारद्वाज। अच्छा, आज जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है किस उपलक्ष्य में रखा गया और किस संस्था के द्वारा ये किया ये है? आज जो धर्मशाला हमारी बन रही है उसका पहले लेंटर डला है, ये है उसके उपलक्ष्य में। ऐसे भी हम लोग 25 तारीख के आसपास ये कम्बल का हर साल करते रहते हैं और ये कम्बल यही नहीं बुलंदशहर में भी गाँव में बांटे गए हैं जी, हरियाणा में बांटे गए हैं, हिमाचल में बांटे गए। हिमाचल में हमारी फैक्ट्री में जितने भी जो वर्कर हैं जो काम करने वाले हैं सबको सारे जगह बांटे गए हैं। यहाँ पे भी 200 कंबल हम लोग लेकर आए हैं, सबका खाना पीना भी है। हम चाहते हैं कि ये भगवान के उससे ये ऐसा चलता रहे जी। ये हमेशा हम लोग करते रहे, उसी के लिए धर्मशाला बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही कि यहाँ पे लंगर चलता रहे, जो अपने गरीब लोग हैं जो प्रभु के शरण में जो आ गए हैं उनके लिए, उनकी सेवा के लिए यहाँ ये चलता रहे। महाराज जी क्या नाम? आचार्य मनीष पूर्णानंद जी। अच्छा, आज यहाँ पे गरीबों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम रखा गया है, किस उपलक्ष्य में रखा गया और किस संस्था के द्वारा ये किया जा रहा है? ये जो कंबल वितरण और प्रसाद वितरण का जो आज आयोजन रखा है ये जय श्री बालाजी एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा, जिनके अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो हमारे आपके सामने उपस्थित हैं श्री सुनील कुमार भारद्वाज जी, जिनकी शुरू से ही सेवा की इच्छा है और इच्छा थी और इच्छा का दृढ़ संकल्प है, उसी संकल्प को पूर्ण करने के लिए ये आज कंबल वितरण और अन्य सेवाएं करते रहते हैं। यहाँ भी ये जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसका भी उद्देश्य गिरिराज जी की सेवा के लिए और जो अनाथ व्यक्ति हैं जिनको जरूरत है, यहाँ एक ही उद्देश्य है हमारे सुनील जी का कि जहाँ जरूरत हो वहाँ सेवा होनी चाहिए। आज लगभग कितने लोगों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम? आज ये 150-200 का कंबल का वितरण का है और उसके बाद भी इनकी जो सोच है वो ये है कि गुरुजी ये कंबल सही जगह और गृहस्थ लो जो लोग हैं परिवार हैं वो उसका आराम से, दुखी और बेसहारा जो बेसहारा हैं दुखी हैं वो इसका लाभ ले सके, लाभ करें और लाभ लें इसी भाव से इसी संकल्प से। इनकी जो इच्छा है वो गिरिराज जी गजेंद्र मुखी बाबा पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी इच्छा सिवाय ठाकुर जी के और वो हृदय में प्रकट नहीं हो सकती है। आज उन्हीं की कृपा है। दो शब्द हमारे